विदेश मंत्रालय का संपर्क अपने देशवासियों से केवल पासपोर्ट सेवा के माध्यम से आता है। एक अकेली सेवा है जो विदेश मंत्रालय देश में देता है। जहां तक पासपोर्ट का संबंध है, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगी कि जब हमने सरकार संभाली, पूरे देश में केवल 77 पासपोर्ट केंद्र थे, 77। मैं जिस मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हूं, इतना बड़ा प्रदेश है, एक कार्यालय था भोपाल में। अगर सीधी मंडला के आदिवासी क्षेत्रों को भी आना पड़े तो भोपाल आओ, इंदौर जैसे व्यावसायिक केंद्र से भी आना पड़े तो भोपाल आओ। हिमाचल इतना दुर्गम क्षेत्र है, हिली स्टेट, एक पासपोर्ट केंद्र था शिमला में। चंबा से भी आओ तो शिमला से आकर लेके जाओ। और आप और हैरान होंगे, पूरे पूर्वोत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में, 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, एक पासपोर्ट सेवा केंद्र था गुवाहाटी में। अरुणाचल वाले को चाहिए तो, मणिपुर वाले को चाहिए तो, नागालैंड वाले को चाहिए तो गुवाहाटी आकर के पासपोर्ट लेकर लाना पड़ता था। हमने निर्णय किया सबसे पहले तो कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को अलग अलग पासपोर्ट सेवा केंद्र देंगे, और 2015 तक उसको पूरा कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि ये तो नहीं चलेगा कि 77 पासपोर्ट केंद्र में इतना विराट भारत, तो हमने डाक विभाग के साथ मिलकर एक योजना बनाई POPS के खोलने की। और आज मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि 2014 से पहले केवल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, इन 4 वर्षों में हमने 227 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले हैं। 227 हैव बीन एडेड टू 277, और जिसमें से 211 POPSK के अंदर खोले गए हैं। 227 यानी लगभग 3 गुना, 231 पूरा 3 गुना होता, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 3 गुना हम लोगों ने खोलने का काम किया है।